श्री कृष्ण की पांच चमत्कारी कहानियां सुदामा और श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे और युवा अवस्था में थे। एक दिन आश्रम में लकड़ियां समाप्त हो गईं और गुरुमाता परेशान होने लगी। गुरुमाता ने श्री कृष्ण और सुदामा के साथ उनके अन्य साथियों को अपने पास बुलाया और आज्ञा दी कि बच्चों, आश्रम में लकड़ियां समाप्त हो गई हैं, आप लोग जंगल जाओ और लकड़ियां लाओ। गुरुमाता ने उन्हें एक पोटली देकर कहा, अगर भूख लगे तो इसमें से चने निकलकर बराबर बांट कर खा लेना। श्री कृष्ण और सुदामा पोटली लेकर आज्ञा मानकर लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चले गए। सभी जंगल में पहुंचकर लकड़ियां इकट्ठी करने लगे। लगभग सभी ने लकड़ियां इकट्ठी कर ली थी, लेकिन शाम हो गई थी। साथ में ही मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगा था। मौसम इतना खराब हो गया कि बारिश होने लगी और तूफान भी बड़ी जोर से आने लगा। तूफान और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो श्री कृष्ण और सुदामा ने सोचा कि हम एक पेड़ पर चराहा जाते हैं, जिससे हम बारिश में भीगने से बच जाएंगे। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ, दोनों पेड़ा पर तो चराच गए, लेकिन वह भीगने से नहीं बचे। बारिश भी अधिक तेज होने लगी थी। बहुत ज्यादा रात हो गई, लेकिन बारिश नहीं रुकी। दोनों ठंड के मारे कांप रहे थे। तभी सुदामा को याद आया कि गुरु माता ने हमें चने की पोटली दी थी। सुदामा ने मन ही मन सोचा कि श्री कृष्ण को याद नहीं है कि गुरु माता ने हमें चनों की पोटली दी थी। सुदामा चने चुपके चुपके खा रहा था, श्री कृष्ण को चनों के चबाने की आवाज आ रही थी। तभी कृष्ण जी बोल पड़े, डेढ़े, अरे सुदामा, गुरु माता ने हमें जो चने की पोटली दी है, उसमें से मेरा हिस्सा लाओ। सुदामा हैरान हो गए और कृष्ण से कहने लगे, अरे मित्र, मुझे लगता है वो चने कहीं गिर गए। श्री कृष्ण यह सुनते ही चुप हो गए। वह जानते थे कि सुदामा चने खा रहा है, लेकिन उन्होंने सुदामा को कुछ नहीं कहा। गोवर्धन पूजा अभी श्री कृष्ण बाल अवस्था में थे। नगर में बहुत चहल पहले थी। उधर श्री कृष्ण आश्चर्य में थे कि आखिर आज कौन सा त्योहार है जिस कारण नगर में चार चांद लग गए हैं। श्री कृष्ण और दाऊ भैया घूमते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पूजा करने की तैयारियां हो रही थीं। श्री कृष्ण आश्चर्य से पूछ लेते हैं कि आखिर नगर में इतनी जोर शोर से किस त्योहार की तैयारी चल रही है। उस स्थान पर एक महान ऋषि भी आए हुए थे जो उस रास्ते से जा रहे थे जिसमें वह नगर रास्ते में पीढ़ी ढहता था। नगर वासियों ने ऋषि को देख वहां बुला लिया, जो उस समय वहां उपस्थित थे। श्री कृष्ण की यह बात सुन लोग जवाब देते हैं कि आज इंद्रदेव के पूजा की तैयारियां चल रही हैं। यह सुन श्री कृष्ण बोलते हैं, अच्छा, लेकिन इंद्रदेव की पूजा क्यों की जाती है? आखिर वो हमारे लिए क्या करते हैं? लोगों ने बोला, वह समय समय पर बारिश कर इस धरती को उपजाऊ बनाते हैं, फैसले उगती हैं, पशु पक्षियों की प्यास मिटती है और हमारी हर एक पानी से जुड़ी हुई समस्या खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि यह उनका कर्तव्य है कि वह समय समय पर बारिश कर इस धरती को उपजाऊ बनाए। हमें पूजा अपने इष्ट देव या देवी की करनी चाहिए और इष्ट देव या देवी वह होती है जिससे हमारी जीविका चलती है। जिस प्रकार किसान की जीविका उसकी फसल होती है, उसका इष्ट देव अन्न देवता होता है और व्यापारी की जीविका धन होता है या व्यापार होता है, उसकी इष्ट देवी लक्ष्मी होती है। इसी प्रकार हमारी जीविका दूध, दही, माखन आदि है, तो हमारी इष्ट देवी गाय माता हुई। हमें गाय माता की पूजा करनी चाहिए। सभी लोग श्री कृष्ण की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनकी बातें वह महान ऋषि भी सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने ऋषि से पूछा, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं गुरुदेव? ऋषि तुरंत बोल पड़े, हे महान आत्मा, आप अवश्य ही पिछले जन्म के कोई सिद्ध पुरुष होंगे। मैं आपके चरणों में नमन करते हूं, क्योंकि इतनी सी उम्र में इतना सारा ज्ञान किसी पुण्य आत्मा के पास ही हो सकता है। आपकी बातें मुझे बिल्कुल सही लगी। महान ऋषि ने आदेश दिया कि इंद्र की पूजा, छोड़ा सभी गौ माता की पूजा करते हैं, इसलिए सभी महान पर्वत गोवर्धन के चरणों में चलो, वही पूजा होगी। ऋषि के आदेशानुसार सारे नगरवासी गोवर्धन पर्वत की ओर निकल पड़े और पूजा शुरू होने लगी। पूजा से प्रसन्न होकर गोवर्धन पर्वत ने नगरवासियों को दर्शन दिए और भोग लगाया। सारी बातें इंद्रदेव को पता चल गई कि धरती पर अब उनकी पूजा नहीं की जाएगी। उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने अपने वज्र और वाहन निकाले, बिना सोचे समझे इतनी बारिश और तूफान प्रकट कर दिया कि पूरा नगर पानी से भर गया। अब नगरवासियों और पशुओं की जान खतरे में थे। श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। पर्वत इतना बड़ा था कि सभी नगरवासी उसके नीचे आकर अपनी जान बचा पाए। इंद्र ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन नगरवासियों का बाल बाका न कर पाए और हार गए।
उन्होंने श्री कृष्ण को पहचान, उनसे माफी मांगी और उनका घमंड तोड़ा। तब से लेकर आज तक हम गोवर्धन पूजा मनाते आ रहे हैं। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।